फर्जी डिग्री मामले में एसओजी ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल राजगढ़ की ओपीजीएस यूनिवर्सिटी, जो कि फर्जी डिग्री की फैक्ट्री बन गई थी, यहां से एसओजी ने खुलासा किया है कि 9 साल में 1300 युवाओं को फर्जी डिग्री बांटी गई। कुल 26 करोड़ रुपए में ये फर्जी डिग्री बांटी गई और फर्जी डिग्री जिन लोगों को बांटी गई वे 8वीं 10वीं और 12वीं पास थे, साथ ही साथ ड्राइवर और खलासी थे। फर्जी डिग्री के जरिए पीटीआई बन गए। सुभाष पुनिया जो कि दलाल था, उसकी गिरफ्तारी सबसे पहले हुई। ओपीजीएस यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, इसके संस्थापक जोगेंद्र है। जोगेंद्र ने शुरुआत मेरठ यूनिवर्सिटी में काम करके की, उसके बाद फर्जी डिग्री मामले में उसकी गिरफ्तारी भी हुई और उसके बाद फर्जी डिग्री बनाने में लिप्त हो गया। भिवाड़ी मेरठ में फर्जी डिग्री बांटने का काम जोरों शोरों से किया गया। हालांकि इस पूरे फर्जी डिग्री को लेकर एसओजी की ओर से 118 लोगों की पहचान की गई है, इनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी। एसओजी लगातार एक के बाद एक तार जोड़ते हुए चल रही है। सुभाष पुनिया जो दलाल है, उसके परिवार के लोग भी फर्जी डिग्री के जरिए पीटीआई बन गए, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। एसओजी का मानना है कि ये रैकेट काफ़ी लंबे समय से सक्रिय था। राजस्थान में अलग अलग जगहों पर इनके लोग सक्रिय थे। 2 से 3 लाख रुपए में फर्जी डिग्री दिया करते थे और कमीशन के 50,000 रुपये भी दिया करते थे। अलग अलग जगहों पर दबिश भी दी जा रही है। एसओजी का मानना है कि ये बड़ा रैकेट है, राजस्थान ही नहीं दूसरे राज्यों में भी सक्रिय है। तो जिस तरह सुभाष पुनिया से पूछताछ की जा रही है, प्रतिदिन नए नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। 9 साल से ये रैकेट पुरजोर तरीके से सक्रिय था। लोगों को फर्जी डिग्री बांटने का काम इनकी ओर से किया जाता था। सोशल मीडिया के जरिए ये कमज़ोर व्यक्तियों को अपने झांसे में लेते थे। फर्जी डिग्री देने के नाम पर उनको जो है छलावा किया जाता था और पैसे लिए जाते थे। पैसे लेने के बाद ये लोग सरकारी नौकरियों में जॉब लग जाते थे। अब कौन कौन से लोग सरकारी नौकरियों में फर्जी डिग्री के जरिए भर्ती हुए हैं, उनकी भी पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ ये भी खंगाला जा रहा है कि गिरोह में कौन कौन लोग थे और किन किन जिलों में ये गिरोह सक्रिय है। हालांकि एसओजी का मानना है, एसओजी के सूत्रों के हवाले से भी खबर मिली है कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में इनके लोग सक्रिय हैं, जो लगातार ऐसे लोगों को फर्जी डिग्री देने का काम करते थे, जो 10वीं 12वीं फेल हुआ करते थे या 10वीं 12वीं पास हुआ करते थे, जो निम्न तबके के लोग थे, ड्राइवर हो या खलासी हो, उनको ये फर्जी डिग्री देने का काम इनकी ओर से किया जाता था। बीच में एक दलाल भी रखा जाता था जिसको कमीशन दिया जाता था। जब सौदा फर्जी डिग्री का 2 से 3 लाख में तय हो जाता था तो कमीशन के तौर पर दलाल को 50,000 रुपये भी दिए जाते थे। सुभाष पुनिया से भी पूछताछ की जा रही है। ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के संस्थापक और उनके परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है। एसओजी का मानना है, बड़े स्तर पर फर्जी डिग्री बांटी गई और सरकारी नौकरियां लगाई गई। किन किन लोगों को सरकारी नौकरियां लगाई गई, सुभाष पुनिया से पूछताछ में आप खुलासे भी देखने को मिलेंगे। हालांकि 118 लोगों की पहचान कर ली गई है, इनसे भी एसओजी जल्द पूछताछ करेगी। एसओजी का मानना है कि बड़े स्तर पर अब खुलासा फर्जी डिग्री मामले में देखने को मिलेगा। वसंत पांडे, TV9, जयपुर।